सिवान के पूर्व एमएलसी टूना पांडे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह जमकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एमएलसी का चुनाव होना है और सिवान से टूना पांडे एनडीए से दो बार एमएलसी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पूर्व एमएलसी टूना पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को यह चैलेंज देते हुए कहा कि वो खुद सिवान आकर एमएलसी का चुनाव लड़ ले, यह सीट उन्होंने ब्राह्मणों के लिए छोड़ी है, ऐसे में एनडीए को चाहिए कि वो किसी ब्राह्मण को चुनाव लड़ाए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास पैसा है, कई बार मंत्री रह चुके हैं, ब्राह्मण के नेता बनते हैं, लेकिन एमएलसी मनोनीत होते हैं, इसलिए मंगल पांडे सिवान आकर एमएलसी का चुनाव लड़े। टूना पांडे ने आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने पंचायत से अपने पिता को मुखिया का चुनाव नहीं जिता सके, वह ब्राह्मण नेता के रूप में छुपे हुए ऐसे नेता है जिनके पास अपना 5 वोट बैंक भी नहीं है, ऐसे में उन्होंने ब्राह्मण समाज से यह अपील की कि मंगल पांडे को बहिष्कार किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधते हुए टूना पांडे ने कहा कि जीतन राम मांझी ने जब ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए बयान दिया था तब अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंगल पांडे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे कुछ बोलेंगे तो उनकी कुर्सी छीन जाएगी। सिवान में लगातार अपराध बढ़ रहा है, पहले बढ़ते अपराध को लेकर शहाबुद्दीन का नाम आता था कि शहाबुद्दीन ये अपराध करा, लेकिन अब शहाबुद्दीन नहीं है फिर भी अपराध बढ़ रहा है, लेकिन एनडीए के नेता लोग इस पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। सिवान में एक राह नदी पुल था जिसे तोड़ दिया गया, नया पुल जो बना है वो बंद है, लेकिन इस पर भी मंगल पांडे के द्वारा कुछ नहीं किया गया, सिवान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। बता दें कि पूर्व एमएलसी टूना पांडे सिवान से दो बार एमएलसी रह चुके हैं और उन्होंने यह भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि जब तक शहाबुद्दीन परिवार से कोई सदन में नहीं जाता तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपनी इसी प्रतिज्ञा के चलते वो इस बार एमएलसी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व एमएलसी टूना पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेकर और क्या कुछ कहा। मित्रों प्रणाम, मैं टूना जी पांडे पूर्व एमएलसी सिवान बिहार, आप सारे लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से दया दृष्टि से 8 तारीख को इतनी भीषण एक्सीडेंट हमारी हो गई थी हमारी गाड़ी की, हम लोग सारे परिवार सकुशल बच गए हैं, इसलिए हम सारे जनता जनार्दन भगवती भगवान हर देवी देवताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे ऊपर आने वाले इसी किसी भी विपदा से हम लड़ सकें और सकुशल वापस लौट जाएं। धन्यवाद और प्रणाम। मित्रों, एक तो ये बात थी, हमको कहना था आप लोगों से, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से हम लाइव नहीं आ पाए थे, बहुत फोन आया, बहुत लोगों की शुभकामना, हमारे हालचाल जानने के लिए बहुत लोग फोन किया, सारे लोगों को धन्यवाद तहे दिल से, बहुत लोगों का फोन भी नहीं उठा पाए, लोग नाराज नहीं होंगे, हम मजबूरी में थे। मित्रों, विशेष बात यह लगी कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और जो राजनीति में ब्राह्मणों के साथ जिस तरह अन्याय होता है, तो एक ब्राह्मण होने के नाते कहिए या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कहिए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। गलत होता है तो हमारी जबान तुरंत खुल जाती है, हम इसका विरोध जरूर करते हैं। आप लोगों को याद होगा मित्रों, लगभग 1 से 1.5 साल पहले हमने टाउन हॉल में एक भरे मीटिंग में माननीय मंगल पांडे जी के सामने हमने ऐलान कर दिया था कि हम एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम एनडीए के तमाम नेताओं से पूछेंगे और श्री मंगल पांडे जी से भी कहेंगे कि आप ब्राह्मणों का नेता बन रहे हैं, बार ढोल पीटते हैं, ब्राह्मणों के नेता हैं, सिवान एमएलसी का सीट ब्राह्मण का था, जब हम चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिए तो ये सीट किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपका ब्राह्मणवाद कहां चला गया? आप किस बात का ब्राह्मण है? आप ब्राह्मणों के लिए ढोल पीटते हैं, कहते हैं कि हम ब्राह्मण का नेता बन रहे हैं, अरे आप हमेशा मनोनीत होते हैं, आप पैसा कौड़ी के कोई कमी आपके पास है नहीं, आप मंत्री भी बहुत दिन रह गए, आप स्वयं एमएलसी का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? क्योंकि आप ब्राह्मणों का आन बान शान भी रह जाता सिवान में, हमने तो दो बार सिवान से जीत करके और ब्राह्मणों का मान सम्मान बढ़ाया, और आपसे भी हम अच्छा अपेक्षा यही रखेंगे कि तो ऐसी किसी ब्राह्मण को देकर लड़ाइए, या आप स्वयं ब्राह्मण हैं आप स्वयं लड़िए, लेकिन हमें विश्वास है कि आप क्या लड़िएगा, आप अपने पिताजी को तो मुखिया के चुनाव में आप जिताइए नहीं पाए अपने घर से अपने पंचायत से, और चले हम ब्राह्मणों के नेता बनने, ब्राह्मणों का हमेशा हक मारी आप किए हैं, सिर थी ब्राह्मण का, आप एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बने हैं, तो सिवान जिला का एमएलसी का सीट किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया जा रहा है?
किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? चाहे आप ब्राह्मण है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं आकर के? अब क्यों सीट किसी और को देना चाहते हैं? यही तमाम बातें हमें श्री मंगल पांडे जी से कहना था, एनडीए के नेताओं से कहना था, और एनडीए के तमाम नेता जो सिवान में हैं, सारे लोग से हम कहेंगे कि क्या एसिड ब्राह्मण की थी, आप किसी ब्राह्मण बंधु को क्यों नहीं दे रहे हैं? टूना पांडे ने जब मना कर दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, डेढ़ साल पहले आप लोगों को मना किया, आप लोग भले मीटिंग में मना किया, चुरा कर नहीं किया, हमको कई कई ऑफर भी आया, कहिए तो हम टेलीफोनिक ऑफर भी बता देंगे व्यक्ति व्यक्ति के नाम, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया मेरा एक ही वचन है कि जब तक शाहबुद्दीन साहब का परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा ताउम्र हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ब्राह्मण हैं, भीष्म प्रतिज्ञा लिए हैं, भीष्म प्रतिज्ञा एकदम अधिक रहेगा, लेकिन हम आप लोग एनडीए के नेताओं से पूछना चाहते हैं, विशेषकर मंगल पांडे जी से, कि आप ब्राह्मणों के साथ इस तरह से दलगत भावनाओं से इस तरह ग्रसित होकर के आप क्यों ब्राह्मणों के साथ इस तरह अपमानित ब्राह्मणों को कर रहे हैं सिवान में? क्या ब्राह्मण का कोई नेतृत्व आगे नहीं आना चाहिए? ब्राह्मण का एक विधायक आपने सिवान में नहीं बनने दिया, ब्राह्मण का वो महागठबंधन से दो दो ब्राह्मण जीत कर गए सिवान से, आपके एनडीए से एक भी ब्राह्मण जीत कर नहीं गए सिवान से, आपने टिकट तक किसी को नहीं दिया, एक एमएलसी का सीट हमने किसी ब्राह्मण बंधु के लिए छोड़ा, वो भी आप ब्राह्मण को नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप ब्राह्मणों का नेता बनिएगा? झूठो बोलना खाली आता है आपको। अब रह गई बात सिवान में, क्राइम का रेट आप लोग देखिए कितना बढ़ गया है, और सिवान के तमाम लोग इस आप पहले जो हत्या होती थी सिवान में, सारे लोग एक व्यक्ति विशेष के नाम श्री शाहबुद्दीन साहब का नाम लेकर के सब लोग आता था, उनके द्वारा कराया गया। अब हम पूछना चाहते हैं सिवान के सारे लोगों से, क्या अब हत्या कौन करा रहा है? अब तो शाहबुद्दीन साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, अब सिवान का हत्या कौन करा रहा है? कोई नेता का मुंह नहीं खुलता है, किसी एनडीए के नेताओं का जवान नहीं खुलता है, सारे एनडीए के नेता एकदम मुंह बंद बैठे हुए हैं। हम जब पूछते हैं अब सब बउआ बउआ कर बाहर निकलेंगे, हमारे एक भी प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए फेसबुक मीडिया पर आकर के कि हम कुछ गलत बोला है। क्या सिवान का सिर्फ ब्राह्मण का नहीं था एमएलसी का? दो दो बार से टूना पांडे एमएलसी नहीं था सिवान से, और टूना पांडे डेढ़ साल पहले ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आप किसी ब्राह्मण का क्यों नहीं टिकट दिए सिवान का? क्यों नहीं किसी ब्राह्मण का खोजाया? लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों का हकमारी कर रहे हैं सिवान में, और झूठे ब्राह्मणों का आप नेता बने हुए हैं। क्या सिवान में क्राइम रेट नहीं बढ़ गया? सिवान में कितनी क्राइम हो रही है? आप एक मुंह आपका नहीं खुलता है सिवान में, एक जवान नहीं खुलता है कि सिवान में इतना क्राइम रेट बढ़ गया, क्राइम रेट को कम किया जाए, इसको क्या कहा जाएगा? एक दहान नदी का पुल अच्छा भी था, भी आपने तोड़वा दिया, एक बंदे है टूटा हुआ है, आपने क्या कार्रवाई उस सब पर किया? बस यही बात सिवान की सारी जनता को हमको जानना था कि देख लीजिए, और विशेषकर ब्राह्मण बंधु से कहना था कि ब्राह्मण भाइयों आप भी तो जाग कर देखिए, एनडीए आप लोगों के साथ क्या दुराचार कर रही है, क्या आप लोग का अपमानित कर रही है। जीतन रामा जी ने इतना ज्यादा गाली दिया, अब शब्द बोला, सारे समाज के लिए बोला, लेकिन एक बार भी मंगल पांडे जी का उस पर जवाब नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि उनका कुर्सी छीन ली जाएगी। हम आप तमाम नेताओं से, ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह करेंगे कि मंगल पांडे को आप बहिष्कृत करिए सिवान से, वो नेता नहीं, नेता के खाल में छुपे हुए वो व्यक्ति है जिनका तो 5 गो अपना वैश्विक वोट नहीं है, और ब्राह्मणों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय आप इतने अपमानित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, और न इतना अपमानित कभी आप हुए हैं, आप स्वाभिमानी व्यक्ति थे, स्वाभिमानी व्यक्ति से हम लोगों को भी लड़ने में बड़ी मजा आता है, अच्छा लगता है। आप 2014 में सत्ता को ठोकर मार दिए थे हारने के चलते, अब किस कारण भाजपा का दामन थामे हुए हैं, जो भाजपा आपको तुल तल तक मैंने एकदम तिल तिल अपमानित कर रही है, आपको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया, आपको विशेष राज का दर्जा मांगते रह गए, केंद्र की सरकार आपने बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया, आप जातीय जनगणना मांग रहे हैं वो भी आपको बीजेपी के लोग आपको नहीं दे पा रहे हैं, आप क्यों बीजेपी के साथ सटे हुए हैं? सर आपका अपना स्वाभिमान को जगाइए, ठोकर मारिए बीजेपी को, और आइए किसी अपने गठबंधन बनाइए, किसी और दल के साथ आइए, सरकार तो आपको बिल्कुल नहीं गिरेगी, क्योंकि आप बिहार के जब विकास पुरुष हैं, बिहार के विकास के नाम पर आप किसी से समझौता नहीं करते हैं, तो कौन सी ऐसी मजबूरी आपकी आ गई है कि विकास के नाम पर, बिहार के विकास के नाम पर आप समझौता करके बीजेपी के साथ सटे हुए हैं? आप ठोकर मारिए बीजेपी को और निकलिए वहां से बाहर, सरकार आपकी नहीं गिरेगी। बस यही बात कहते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं, और सिवान के सारे विप्र बंधु से आग्रह करेंगे कि श्री मंगल पांगर,
शिवान की एमएलसी का सीट किसी ब्राह्मण को नहीं दिया जाता है। श्री मंगल पांडे जी को आप लोग बहिष्कृत करिए, बहिष्कृत करिए, बहिष्कृत करिए। जय हिंद, जय परशुराम, जय भगवान, ओम नमः शिवाय। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।